ये पेस्ट्री देख के आपको क्या लग रहा है फ्रेंड्स? ये पेस्ट्री बनाई है बिना अंडे के, बिना गैस के, बिना ओवन के और बिना दही के, बिना बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा के। तो ये डिलीशियस केक कैसे बनाई जाती है, झटपट चलिए देखते हैं। हाय, हेलो, नमस्कार, वेलकम टू सोनिया सिग्नेचर डिशेस। फ्रेंड्स, आज आपके साथ बहुत सी इंटरेस्टिंग रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो आपको बहुत 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 पसंद आएगी और ये तो खाने में माइंड ब्लोइंग है, बहुत ही अमेलिशियस है। आज तक तो मैंने आपको क्रिसमस के बहुत सारे रेसिपीज दिखाए हैं अभी तक। अभी क्रिसमस के बाद आता है न्यू ईयर, तो न्यू ईयर आता है तो इसका मतलब है केक कटिंग सेलिब्रेशंस। और न्यू ईयर के दिन अगर केक ऑर्डर किया जाए तो केक शॉप्स में तो ऑर्डर्स फुल होते हैं उनके, कभी कभार हमें मिलते भी नहीं है, और घर में बनाया जाए तो बहुत झंझट होती है। तो मैं आज एक ऐसी इजीएस्ट केक रेसिपी शेयर कर रही हूँ, पेस्ट्री रेसिपी, जो कि छोटे बच्चे और बड़े कोई भी बना सकता है और झटपट बना सकता है, और बर्थडेज पे भी ये आप झट से बना सकते हो। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, मेरी रेसिपीज़ अगर आपको लाइक हो रही हो तो मुझे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। पास ही में जो बेल बटन है वो प्लीज़ प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट इनोवेटिव रेसिपीज़ आप तक पहुँच। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुछ मिल्क ब्रेड्स लिए हैं। इसके लिए हमें इस पेस्ट्री को लगेंगे मिल्क ब्रेड्स। उसी के साथ अभी यहाँ पे लिया है मैंने जो हर्शीज का चोको सिरप मैंने बनाया था मेरी पिछली रेसिपी में, अभी वो इस ब्रेड पे अच्छी तरह से हमें स्प्रेड करना है जैसे मैं कर रही हूँ। ऐसे कुछ ब्रेड्स जो है वो हर्शीज सिरप या सॉस से आपको बाइंड करने हैं, और बाकी के एक दो ब्रेड है जो व्हिपिंग क्रीम की रेसिपी मैंने दिखाई थी आपको, उससे बाइंड करने हैं, उससे कोट करके लेने हैं। उससे कोट करने के बाद आप इसको इस पे आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैं रख रही हूँ ग्रेप्स रख रही हूँ, आप इस पे ड्राई फ्रूट्स रख सकते हो बीच बीच में, या स्ट्रॉबेरी के कट्स लगा के स्ट्रॉबेरीज रख सकते हो, कोई भी प्रकार के फ्रूट्स आप इस पे लगा के ऊपर एक इसको आपको कोटिंग देनी है। ये हो जाने के बाद इस पे आप शुगर सिरप भी ड्रिजल कर सकते हो। ये हमारे ऊपर है कि हम इसे कैसे इनोवेटिव बनाते हैं, कैसे प्रेजेंटेबल और टेस्टी बनाते हैं, और मुझे मालूम है फ्रेंड्स कि मुझसे बेहतर आप ये ज़रूर बनाओगे। तो इसके बाद एक के ऊपर एक इसको रखना है। मैंने 4 स्लाइसेस रख दिए हैं यहाँ पे, आप जितने चाहो उतने रख सकते। तो देखा ना फ्रेंड्स, मैंने इसको कैसे व्हिपिंग क्रीम से चारों तरफ से कोट करके लिया है। अभी इसको आप मन चाहे फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट शेविंग्स, चोको चिप्स, किसी से भी डेकोरेट कर सकते हो। मेरे पास हैंडी में अभी हर्शीज का जो घर पे सिरप बनाया मैंने वो है, इसलिए मैं उसी से इसको डेकोरेट करूँगी। कुछ चेरीज है मेरे पास, ग्रेप्स है, उसी से डेकोरेट करूँगी, और चोको चिप्स जो है वो ऐसे उस पर डालने हैं ताकि वो चिपक जाए। तो फ्रेंड्स, है ना, ये बहुत ही यमी इजी रेसिपी। एक ध्यान में रखिए कि ये फ्रिज में ना रखें, फ्रिज में रखा तो ये सख्त हो जाते हैं ब्रेड्स। सो आप ये कभी भी यूज़ कर सकते हैं, ऊपर ही रख सकते हैं और आराम से 2 दिन तक खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये न्यू ईयर वाली केक पेस्ट्री आपको कैसे लगी? तो क्यों ना इस न्यू ईयर ये ट्राई किया जाए और सभी को घर में खुश किया जाए, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही इजी है, झटपट से 10 मिनट्स में बन जाती है और ये बहुत ही यमिलिशियस होती है। तो इस न्यू ईयर ये ज़रूर ट्राई कीजिए और खुद को और अपने घर वालों को खुश करके न्यू ईयर अच्छी तरह से मनाइए। बाय बाय, टेक केयर।